भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं आपकी NCERT की ज्योग्राफी को, NCERT की हिस्ट्री को, पेपर टू के लिए जो CTET में आपका पेपर टू होता है उसमें जो SST के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसके लिए NCERT की ज्योग्राफी, NCERT की हिस्ट्री को अभी हम चला रहे हैं, जिसमें हमने 6th क्लास की जो NCERT की ज्योग्राफी है, भूगोल की पुस्तक है, वो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा जो 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक है उसमें भी हम आज 7वें चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले ये सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में ये सारा चैप्टर करूंगा और अगले 2 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट करवा दूं। इसके अलावा 6th क्लास की हम जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की पुस्तक है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैं 7th क्लास की ओर बढ़ूंगा। तो चलिए आज शुरुआत करने वाले हैं अशोक के बारे में। तो जो ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल में जाइए, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट है वहाँ पर, और वहाँ पर जाके अपना जो कोर्स है वो शुरू कर सकते हैं। एक एक कोर्स वहाँ पर हम जो शुरू कर रहे हैं वो पूरा करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। NCERT की जो हिस्ट्री की पुस्तक है जो कक्षा 6 में पढ़ाई जाती है उसमें अध्याय 7 का जो नाम है वो है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, 6th क्लास में जब आप 6th क्लास की जो हिस्ट्री की पुस्तक है या फिर ज्योग्राफी की पुस्तक है तो जब आप उसको पढ़ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा डीप में चीज़ें नहीं दी गई हैं और कुछ चीज़ें क्या है छोड़ दी गई हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जो चीज़ें छोड़ दी गई हैं तो वो भी तो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, क्योंकि जो CTET का पेपर होता है तो वो केवल जो NCERT की पुस्तक है वहीं से क्वेश्चंस उठाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। कोई ना तो क्वेश्चन किसी क्वेश्चन को कोई घुमाता है या फिर यहाँ से बाहर कोई प्रश्न देता है, ठीक है। सीधे सीधे प्रश्न आपके आपके यहाँ से पूछे जाएंगे और इतने में ही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे, अशोक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा एक राज्य था, एक साम्राज्य था, एक राज्य अलग होता है, साम्राज्य अलग होता है, जैसे जनपद अलग होते हैं। इससे पहले जो मैं बता चुका हूँ कि महाजनपद अलग होते हैं, तो वहाँ पर उनकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई है, ये अशोक स्तंभ आप देख रहे हैं जो कि हम अपने जो रुपए होते हैं, नोट होते हैं, उन पर छपा देखते हैं, ये है अशोक स्तंभ। तो इसको किसने बनवाया था, तो अशोक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसको अशोक ने बनवाया था, ठीक है। और ये पत्थरों से काट काट कर बनाया गया है, पत्थरों से काट बनाया गया है। सारनाथ में है स्थित ये स्तंभ, ठीक है, याद रखेंगे सारनाथ में है ये, और इसको अशोक ने बनवाया है। इसके अलावा जो भी राजाएं हैं अशोक के निर्देशन से कई सारे स्तंभ हैं जो पत्थरों पर बनाए गए हैं, पत्थरों के बनाए गए हैं, और कई सारे अभिलेख हैं जो उत्कीर्ण कराए गए हैं पत्थरों पर, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे अगर पूछ लिया कि पत्थरों पर जो अभिलेख हैं वो कि उनकी संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। और वैसे 14 अभिलेख हैं उनकी जो अशोक ने बनवाए हैं। इसके अलावा पत्थरों पर जो अभिलेख हैं उनकी संख्या 7 है, ये आप याद रखेंगे। अब आगे जानते हैं कि इसका जो समय है वो जो चंद्रगुप्त, ये जो अशोक का समय है ये है लगभग आज से 2300 साल पहले का, ठीक है। तो ये डेटा आप याद रखेंगे, 2300 साल पहले का है ये। मौर्य साम्राज्य था ये, जिसकी नींव डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे उनका नाम था बिंदुसार, बिंदुसार के जो पुत्र थे उनका नाम था अशोक। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि अशोक के दादा कौन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे एक महान शासक के रूप में अशोक को जाना जाता है और कई सारे उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर चाणक्य के बारे में भी चर्चा की गई है कि इनका जो नाम है वो एक कौटिल्य नाम भी था, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे ये जिन्होंने अशोक की सहायता की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। अब यहाँ पर ये जान लीजिए कि वंश किसको कहते हैं, तो वंश उसको कहते हैं कि जिसके परिवार के कई सारे सदस्य एक के बाद एक राजा बनते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वंश, ठीक है, आप याद रखेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हैं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में ही हम पढ़ते हैं लगभग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो ये जो मौर्य साम्राज्य था इनकी जो राजधानी थी इन्होंने बनाई थी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। तो ये कुछ बड़े नगर थे जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का ये मार्ग था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी स्थिति बताता हूँ। देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, महाजनपद में ये आपका तक्षशिला है, ये है आपका पाटलिपुत्र जो कि पटना इसको बोलते हैं, वर्तमान में बिहार की जो राजधानी है इसको पाटलिपुत्र बोलते हैं। इसके अलावा ये है उज्जैन। तो इस तरह की जो मौर्य साम्राज्य की राजधानियाँ यहाँ पर इन्होंने बनाई थी। इसके अलावा यहाँ पर और देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई लगभग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है और इसके अलावा ये है,
मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, वहां का प्रशासन किस तरह का था? तो जो सबसे ज्यादा है, साम्राज्य बहुत बड़ा था मौर्य साम्राज्य, आपको बताइए। तो अलग अलग ढंग से वहां पर शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों का जो सम्राट होता था वो सीधा नियंत्रण अपने हाथ में रखता था। इसके अलावा कई सारे गांव, शहर, पशुपालक, शिल्पकार, इन सभी को लोग इकट्ठे करते थे जो भी कोई सभाएं करनी है उसके लिए। और कोई जब राजा का आदेश नहीं मानता था तो उनको कड़ी सजा दी जाती थी। ये सारी चीजें हैं। एक होता था यहाँ पर संदेशवाहक। तो संदेशवाहक राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक किस लिए रखते थे संदेशवाहक? तो जो राजा के अधिकारी हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उनकी जासूसी करवाने के लिए जो अशोक थे वो रखवाते थे संदेशवाहक। ठीक है, ये जासूस थे एक तरह के। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र थे, प्रांत थे, और जो बड़े थे उज्जैन, तक्षशिला, ये सारे पाटलिपुत्र, यहाँ से इन सभी पर राज यानी कि प्रशासन किया जाता था। और अक्सर क्या होता था कि राजकुमारों को इन जो बड़े बड़े नगर थे, बड़े बड़े जो साम्राज्य थे, इनका राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर होता है वो पहले बनाया जाता था। और इसी तरह जो सम्राट अशोक हैं इनको भी सबसे पहले राज्यपाल बनाया गया था। तो आप ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये आपके काम की चीजें नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहां से ये है कि जैसे उत्तर पश्चिम कंबल के लिए था, कंबल वगैरह वहां से आते थे उत्तर पश्चिम से। दक्षिण में आपको बताई है सोने और कीमती जो पत्थर है होते हैं वहां से वो आते थे। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक टर्म यहां पर दिया गया है, नजराना। तो जिस तरह राजा टैक्स लगाता था, टैक्स के अलावा जो चीज़ें पैसे इकट्ठे करते थे, जो चीज़ें इकट्ठे करते थे, तो उसको बोलते थे नजराना। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकती हैं, जैसे टैक्स के अलावा जो हम जो होता है हफ्ता, सुना है आपने हफ्ता, जो आपने वेलकम मूवी है उसमें देखा होगा, तो उस तरह का होता था नजराना। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। राजधानी में सम्राट अब यहाँ पर बोला गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर ये दे दिया गया है, याद रखेंगे। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया का एक राजा था, यूनानी राजा, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इसका एक राजदूत था मेगस्थनीज, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और मेगस्थनीज की पुस्तक का यहाँ पर विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। मेगस्थनीज की जो पुस्तक, जिसने मेग चलिए पहले ये बता देता हूँ कि मेगस्थनीज ने किया क्या था। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में विवरण किया था चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त का जो मौर्य साम्राज्य था उसका। ठीक है, तो यहाँ पर मेगस्थनीज की जो पुस्तक है वो पुस्तक का नाम आपसे पूछ लेता है, तो इसका नाम था इंडिका। ठीक है, चंद्रगुप्त, आप याद, ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर। ठीक है, और यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके बारे में इसने अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया। इसके बाद है शोभा यात्रा वगैरह निकाली जाती थी, और राजा को सोने की पालकी, जो सोने की बनी होती है, उसमें ले जाया गया था। अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों से लेकर चलते थे, पेड़ों को लेकर चलते थे, और ये सारी चीजें हैं। पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। तो ये आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। आपको वहां पर जो चीजें होती थी उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को पॉज करके थोड़ी थोड़ी चीजें भी आप भी पढ़ लिया करिए। चलिए, पाटलिपुत्र के बारे में दिया गया है। वहां पर जो राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की, आधुनिक पटना इसको हम बोलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा विशाल खूबसूरत नगर था। और यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिया गया है कि इसमें कितने दुर्ग और बुर्ज और द्वार हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 570 इसमें बुर्ज थे, 64 यानी कि 64 इसमें द्वार थे। द्वार आप जानते ही हैं, बुर्ज आप समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की, चीन की जो दीवार है उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो बने होते हैं छोटे छोटे घर से, उनको बोलते हैं बुर्ज। ठीक है, तो इसमें क्या थे, 570 बुर्ज थे, 64 इसमें द्वार थे। इसके अलावा 2 से 3 मंजिल वाले घर थे जिसमें लकड़ी, कच्ची ईंटों से बने होते थे। और राजा का जो महल है वो भी काठ से बना होता था, पत्थर की नक्काशी वगैरह आपको बताई है, वो सारी चीजें होती थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है अशोक के बारे में, एक अनोखा सम्राट। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक की अगर बात करें तो कौन है, अशोक। पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मौर्य साम्राज्य का ऐसा कौन सा शासक था जिसने जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए अभिलेखों का इस्तेमाल किया। तो आप लगाएंगे आंसर अशोक।
ठीक है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी जो अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में और किस लिपि में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा में ये अभिलेख लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए हैं। अगर ये पूछ रहा है कि सम्राट जो अशोक थे इनके जो लिपि है, अभिलेख हैं, इनको पढ़ने का सफलतापूर्वक जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो वो कुछ थे जॉन्स प्रिंसेप करके नाम था उनका, जिन्होंने सफलता प्राप्त की थी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन यहाँ पर हुआ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सम्राट जो जब हम अशोक की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलिंग युद्ध। कलिंग स्थित है जो उड़ीसा, आपने देखा है जो राज्य उड़ीसा है उसके आसपास का तटवर्ती जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं कलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपने अभिलेख में अशोक ने ये सारी बातें बोली गई हैं कि कलिंग में किस किस तरह से युद्ध किया, कलिंग में जो अशोक था उसने विजय प्राप्त की। इसके अलावा 1.5 लाख लोगों को वहां पर बंदी बना लिया गया, 1 लाख लोगों को मार दिया गया, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। लेकिन फिर हुआ ये कि जैसे अशोक ने देखा ये सारी इतना कुछ हो गया, उसके बाद उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हुआ इस सारे अत्याचार को देखकर, ये सारी जो सीन था इस सबको देखकर। ठीक है, तो उसके उसने क्या है, धर्म, बौद्ध धर्म वगैरह है और जो धम्म है यानी कि धर्म की शिक्षा वो देने लगा और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे। उसने ये बोला था कि मुझे पश्चाताप हो रहा है, अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय किया है। फिर उसने क्या किया, धम्म का पालन किया। धम्म यानी कि धर्म, धम्म का मतलब यहाँ पर धर्म से है, धर्म का पालन किया और दूसरों को भी धर्म की शिक्षा वो देने लगा अशोक। ठीक है, और इसको अच्छा अशोक को सम्राट अशोक या फिर महान अशोक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने क्या है कि इतने लोगों को मारने के बाद कई सालों तक ये किया था, खुद जाकर और कई सारे अनुयायी भेजते श्रीलंका में, कई सारे देशों में, 4-5 देशों में भेज भेज कर उसने इस धम्म का पालन करवाया लोगों को, तो इस वजह से इसका यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध के बाद थोड़ा सा है, कलिंग कहाँ पर है, देखिए मैंने आपको बताया उड़ीसा का प्राचीन जो नाम है वही है कलिंग। अशोक ने कलिंग जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उस युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब यहाँ पर यह दिया गया है कि अशोक का धम्म क्या है, यानी कि जो धम्म यानी कि जो धर्म की शिक्षा है वो क्या है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या फिर कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है कि उन्हें लगता था कि पिता अपने बच्चों के अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें कि वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हो। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का पालन अशोक ने किया था और बौद्ध धर्म का प्रचार भी अशोक ने करवाया था। वो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, तो ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति मिली थी वहां पर, तो ये इस मूर्ति को अभी राष्ट्रपति जो भवन है वहां पर रखा गया है, एज इट इज ये मूर्ति वहां पर मिली है एक जानवर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों को, मतलब पड़ोसी से झगड़े नहीं लोग, अलग एक एक दूसरे के जो धर्म है उसको टारगेट नहीं करें, एक दूसरे के धर्म को समझें, तो ये सारी बातें हैं। फिर इसके बाद सब इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसके अतिरिक्त अशोक ने कई संदेश कई स्थानों पर शिलाएं और स्तंभों को खुदवाया। इस तरह से अशोक ने संदेश दिए और अपना जो धर्म है इसका प्रचार करने के लिए, इसको प्रसारित करने के लिए अपने जो लोग हैं वहाँ उनको सीरिया भेजा, मिस्र भेजा, ग्रीक भेजा, श्रीलंका भेजा, तो वहाँ पर अपने दूत भेजे अशोक ने। ठीक है, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें अशोक ने करी इसके बाद। इसके बाद है अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, तो कुछ संदेश दिए कि जब लोग बीमार होते हैं तो उनका बच्चा विवाह होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अनुष्ठान करवाते हैं, कर्मकांड किसी काम के नहीं है, ये अशोक ने बोला था कि जो कर्मकांड करते हैं लोग वो किसी काम के नहीं है। ये कुछ अच्छी बातें हैं जो लिखी गई हैं। अब यहाँ पर एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अशोक के जो अभिलेख हैं वहाँ पर जो भी कुछ चीज़ें मिली हैं उसके बारे में एक अपना कोट लिखा है, तो ये आप याद रखेंगे। उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, तो ये बात बोली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वही सारी बातें हैं, दूर दूर तक प्रसार किया, ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पर ब्राह्मी लिपि के बारे में थोड़ा सा दिया गया है कि आधुनिक भारत की जो ज़्यादातर लिपियाँ हैं पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं, तो अभी जो आपको लिपि दिखेगी वो सारी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं।
तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आरंभिक ब्राह्मी तो इस तरह से अ लिखा जाता है, और ये अपनी देवनागरी हिंदी है जिसमें अ का अक्षर इस तरह से लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्यत्र। तो ये मतलब जैसे 2400 वर्ष पहले की बात करते हैं, तो तब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। अब यहाँ पर इससे पहले वाला जो समय था उसमें क्या था कि चीन के कुछ सम्राट थे जिन्होंने चीन की दीवार को बनवाया। 200 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। 6400 किलोमीटर लंबी ये दीवार है, 6400 किलोमीटर ये लंबी दीवार है, पत्थर और ईंटों से बनी हुई है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि हर 100-200 मीटर पर बुर्ज बने हैं। जैसे मैंने आपको बताया बुर्ज के बारे में, 570 बुर्ज थे, तो वही हैं ये। देखिए इस तरह से होते हैं बुर्ज, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बुर्ज बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पर जानने। तो यहाँ पर ये टाइम दिया गया है, जैसे हिस्ट्री के हर एक चैप्टर में दिया जाता है, मौर्य साम्राज्य का जो शुरुआत हुई थी 2300 वर्ष पहले की बात है ये। आगे बढ़ते हैं, कुछ चित्र दिया गया है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि ये मार्ग चीन जो रेड कलर के मार्ग हैं चीनी शासकों के नियंत्रण में थे, ये आप रेड कलर के देख रहे हैं। ग्रीन कलर के मार्ग हैं वो कुषाण के नियंत्रण में थे। समुद्री मार्ग थे ये जो आप वाइट वाला जो देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपसे ये नहीं पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको बताएं जो यहाँ पर दी गई हैं। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे की बात। तो यहाँ पर यह है कि 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था, इसके स्थान पर कई सारे राजा आए। तो यहाँ पर ये बात बोली गई कि जो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद वाला जो समय था उसमें क्या क्या हुआ, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। कई सारे राज्यों का उसके बाद उदय हुआ, जिसमें से अगर आपने, चलिए बाद में बताऊँगा, यहाँ पर सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा, ये हुआ था पश्चिम उत्तर में, यानी कि पश्चिम में हिंद यवन के राजा ने शासन किया लगभग 100 सालों तक। फिर इसके बाद है शक, जो शक आते थे, शक वंश है, शुंग वंश है, पुष्यमित्र जो शुंग थे, वो सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। कुछ 500 वर्ष तक टिके रहे ये लोग, जब तक कि शक शासकों ने गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे विस्तार से अध्याय 10 में। शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष तक का शासन स्थापित हुआ, अध्याय 9 में हम कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लंबा यहाँ पर समय दिया गया कि 2000 वर्षों तक शासन किया कुषाणों ने, तो इसके बारे में भी काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तर और मध्य भारत में के इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व आए और वंशों का शासन हुआ और चलता रहा। 1700 वर्ष तक गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पर जानने को मिलता है या फिर नहीं। इसके बाद है कई सारे वर्ष तक सातवाहन शासक, ये भी एक शासक थे जिन्होंने कई सारे युद्ध लड़े, और ये जो सातवाहन थे ये 400 वर्षों तक इन्होंने फिर राज्य किया, ठीक है। फिर एक था वाकाटक वंश, वाकाटक वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। 1700 वर्ष पहले पहले मध्य और पश्चिम भारत में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। दक्षिण भारत में 2200 से लेकर 1800 वर्ष पूर्व के बीचों को जो चोल राजा थे वो आए, चेरा तथा पांड्यों। तो ये भी काफ़ी सारे राजा हैं इनके, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पल्लव हैं, चालुक्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं हमारे लिए, तो यहाँ पर आ गया, ये चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये कुछ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 था जो कि अशोक के बारे में एक ओवरव्यू देता है। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।